लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिम्नासा और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। वैसे भैया, जैसे आपने रावण लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लिया, वैसे हमें भी हमारे टीम का कोई नाम रखना चाहिए। क्या? मैंने हमारी टीम का एक नाम सोचा है, बाबू। बाबू? हाँ, बालवीर का बा और देबू का बू, बाबू। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचते हैं। क्यों, नाम पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये नाम तो फैंटास्टिक है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा। ओ, अब समझ में आया, तुम मुझे अपनी टीम में साइड हीरो की तरह रखना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, वैसे मुझे तुम्हारी टीम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये क्या? मेरा गुस्सा। अरे मुनी, ये क्या? अरे तो मेरा है, वो जोर से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। लेकिन आपको मिला कहाँ से? बॉम्ब तो तैयार हो गया, अब इसमें ट्रिगर डालना पड़ेगा। ट्रिगर एक ऐसा बटन जिसको दबाते ही बॉम्ब का धमाका हो जाएगा। ओ, मतलब इस बॉम्ब का नाड़ा खींचा और पजामा नीचे। इस पे तो ट्रिगर है ही नहीं, ट्रिगर कहाँ है? ट्रेनिंग, तिमना जाके चमचे से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। भागी भागी। अरे, क्या हुआ? कहीं तुम मुझे राउंड भगाने के चक्कर में बातें तो राउंड राउंड नहीं घुमा रहे ना? अरे नहीं नहीं भैया, अच्छा ठीक है, आपको राउंड नहीं भागना है तो कोई बात नहीं, आप पुशअप मार लीजिए। मारिए मारिए। माँ, वो विमान मार मत खेलो। माँ। अरे ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन प्लीज मैं जैसा बोलूँ ना प्लीज वैसा ही करना, प्लीज करो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या? ओ चलो, प्लीज मत बताना। चलो संभाल के भैया, चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम खेलने जा रहे हैं, है ना भैया? चलिए। बोलो नहीं, सुनो। तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच, और इस वक्त तू झूठ बोल रहा है। नहीं देवू बेटा, तुम्हें तो पता है ना झूठ बोलना बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। हाँ तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बुरे लोगों की गैंग का डिस्काउंट कर ले, और हमारे पास तो ट्रिगर भी है ना विवान? क्या? देवू भैया के कहने का ये मतलब है कि हम चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं पलटन के साथ। हाँ, चोर पुलिस भी कह सकते हैं, क्योंकि बुरे लोग चोर है और हम पुलिस है, हमारे पास ट्रिगर भी है, लेकिन पलटन कौन? विवान, एक मिनट, बस एक मिनट आइए ना। देवो भैया को बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, पुराने दोस्तों से मिलाना जरूरी है, क्योंकि उनकी याददाश्त वापस लाना जरूरी है ना, इसलिए। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें हमारी फैमिली कहीं नहीं, पूरी दुनिया का भला है। हाँ पूरी दुनिया का। हाँ, क्योंकि देवो भैया जैसे स्वीट इंसान पूरी दुनिया को स्वीट बना देंगे। आओ। अरे अरे विवान, अरे इससे अच्छा तो मैं 4 राउंड भाग लेता। रुको, भैया भैया। अरे विमान, ये कैसा चोर पुलिस का खेल है, पता नहीं चल रहा है कि पुलिस चोर का पीछा कर रहे हैं कि चोर पुलिस का। फिकर मत करो भैया, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन लेकिन फिलहाल आप वहां जाकर चुप जाइए।
थी। क्या करो छुपकर? अरे बस रुकिए, नजर रखिए, लेकिन कुछ भी मत करिए प्लीज। अरे भैया थोड़ी स्फूर्ति दिखाइए। शातिर समझते हो ना तुम? अरे नहीं नहीं टिम्मी आंटी, आपसे ज्यादा शातिर और चालाक और कौन हो सकता है भला? अब जल्दी से ये बता दो कि तुमने कहाँ छुपाया है अपने बड़े भैया को? मैं यहाँ हूँ दीदी। कुछ काम है क्या? या मैंने कहा था ना आपको चुप रहने के लिए, फिर भी आप बाहर क्यों आए? अब बाबू की जोड़ी में बा एक्शन करे और वो चुपचाप बैठा रहे, ऐसा कैसे चलेगा? भैया ये टाइम डायलॉग बाजी करने का नहीं है। तुम क्या कर रही हो तमन्नाशा? ये सर्व काल का दिया हुआ अदृश्य कवच है भैमार। अच्छा, अब वीर लोक वाले हमें यहाँ पर रहते देख नहीं पाएंगे। मतलब बालवीर और विवान अब हमारी किसी भी योजना में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। तिम्नासा, बालवीर पर नजर रखते हुए मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली है। देवू भैया मैंने कहा था ना आपको छुपे रहने के लिए, अगर आप बाहर नहीं आते तो उनके हाथ में ट्रिगर नहीं लगता। लेकिन विवान, मेरे लिए तुम्हारी जान किसी भी ट्रिगर से बहुत ज्यादा कीमती है, अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन भैया उस ट्रिगर से न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जा सकता है। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन अब पूरी धरती खतरे में है। ओह नो, आई एम सॉरी, वो क्या है ना, पहली बार है इसलिए मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आप मुझे इतनी दुख की नजरों से क्यों देख रही हैं? कौन है ये? ये वायु परी है, ये भी मेरी तरह बुराइयों से लड़ती है। कैसे हो देवू? अजीब बात ये है कि बालवीर को कुछ भी याद नहीं है, न केवल उसकी याददाश्त आ चुकी है। तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? मेरे पास वक्त नहीं है सर्फ का, नहीं तो तुम्हारे पास कभी नहीं आती है सवाल लेकर। समय तो तुम्हारा सचमुच खत्म होने वाला है तिम्नासा। इस धोखे में मत रहना सर्फ काल, क्योंकि मेरा हथियार कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी धरती खत्म, और साथ ही साथ वो छुपी शक्ति भी खत्म हो जाएगी जो मेरा अंत लेकर आई है, समझे तुम? ऐसा ही घमंड कंस को भी था तिम्नासा, इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को काल कोठरी में डाला और उसके 6 बच्चों को मारा था। लेकिन हुआ क्या, वो पापी कंस आखिर कृष्ण के हाथों मारा गया। ठीक ऐसे ही तुम भी मारी जाओगी, याद रखना। अगर तुम्हें यही सपने देखने हैं ना सर्वकाल मेरी मौत के, तो देखते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं इस पूरे ब्रह्मांड में काल की शक्ति लेकर आऊंगी, बुराई की सत्ता स्थापित करूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी तिम्नासा, सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी मैं, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.